हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा आप अनुप्रीता मिश्रा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं और आज मैं आपको स्... थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो कैटेगरीज होती है स्क्वरल केज इंडक्शन मोटर और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर उसका डिफरेंस समझा रही हूँ ये अलग अलग पॉइंट्स हम पहले ही पूरा पढ़ चुके जस्ट आज मैंने इसको लिस्ट आउट किया है कुछ इसमें से एडवांटेजेस है कुछ डिसएडवांटेजेस है चाहे वो ऑन रोटर इंडक्शन मोटर हो या फिर स्कुरल केज इंडक्शन मोटर हो तो चलिए एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं और ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है पर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है टू तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर एंड स्कूरल केज इंडक्शन मोटर और साथ में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि दोनों के एडवांटेजेस बताइए और दोनों के डिसएडवांटेजेस बताइए तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा एडवांटेज कौन सा डिसएडवांटेज इसमें भी कौन सा एडवांटेज कौन सा डिसएडवांटेज उस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर को अटैम्प्ट करिएगा तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में पॉसिबल होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क अचीव करना किसकी वजह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो स्लिपरिंग के थ्रू रोटर में कनेक्टेड होता है उसकी वजह से पर uh, स्क्रल केज इंडक्शन मोटर में लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है और इस स्टार्टिंग टॉर्क को हम बढ़ा सकते हैं स्पेशल कंस्ट्रक्शन से चाहे वो डबल केज रोटर हो या फिर डीप बार रोटर कंस्ट्रक्शन हो आप मेरे वीडियोस देखिएगा इन दोनों पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क और मॉडरेट करंट एंड इफिशंसी गुड इफिशियंसी एंड नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन कैसे अचीव होती है स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर में Uh, यहाँ पर स्टार्टिंग करंट जो होता है माउंड रोटर इंडक्शन मोटर में वो आर टू जो एक्सटर्नल स्लिपरिंग के थ्रू रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है या रोटर में इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसकी वजह से स्टार्टिंग करंट टू 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 पॉइंट फाइव या इससे भी कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू द फुल लोड करंट पर स्क्र केज इंडक्शन मोटर में ये सिक्स टू एट टाइम्स होता है फुल लोड करंट का इसकी कॉस्ट हाई होती है क्योंकि स्लिपरिंग्स होती है और स्लिपरिंग्स क्या करती है रोटेटरी सर्किट को स्टेशनरी सर्किट से कनेक्ट करने का, का काम करती है तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है ज इंडक्शन मोटर में केज़ इंडक्शन मोटर में ऐसी कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती तो ये चीपर होती है यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड रहता है स्कूर स्लिपरिंग की वजह से ही इसलिए इफिशंसी भी लो रहती है और इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही रग्ड माना जाता है स्कूरल केज इंडक्शन मोटर का कोई मूविंग कॉन्टैक्ट्स नहीं होते मतलब कोई स्लिपरिंग नहीं होती तो लेस मेंटेनेंस भी होता ट्रबल फ्री परफॉर्मेंस भी होता है स्कुरल के इंडक्शन मोटर में ये जो होती है वो कैपेबल होती है हाई स्टार्टिंग टॉर्क के प्रोडक्शन के साथ ऐसे लोड्स को बियर करने में जिनकी डिमांड हाई टॉर्क की रहती है जैसे फैंस पम्प्स कॉम्प्रेसर्स होइस्ट मतलब लिप्ट कन्वेयर्स लिफ्ट्स, uh, हॉइस्ट और लिफ्ट लगभग लग एक ही चीज़ होती है और इसी टाइप के एप्लीकेशंस uh, में वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर यूटिलाइज होती है ये जो यूज होती है वो जहाँ पर कंसिडरेबल लो लोड होता है इट कैन बी यूज इन द केसेस वेर इट रिक्वायर्ड कंसिडरेबल रिक्वायर्स होना चाहिए रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए रिक्वायर्स कंसिडरेबल टॉर्क मतलब मॉडरेट टॉर्क के रिक्वायरमेंट हो तो उसकोल केज इंडक्शन मोटर यूज होती है यहाँ पर स्पीड कंट्रोल पॉसिबल होता है आर टू एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस के वेरिएशन के साथ स्पीड कंट्रोल मुझे पढ़ाना है अभी तो वो मैं आपको बता दूंगी मुझे स्टार्टिंग समझाना है अभी थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर का मुझे स्पीड कंट्रोल बताना है और मुझे ब्रेकिंग बताना है वो मैं कंटिन्यूटी में एक के बाद एक बताऊँगी आपको यहाँ पर स्पीड कंट्रोल दूसरी मेथड से पॉसिबल है पर आर के वेरिएशन वाला तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ही नहीं हाई लॉसेस होते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कनेक्टेड रहता है तो आई स्क्वायर आर लॉसेज होते हैं इसलिए इफिशियंसी भी कैसी होती है कम होती है यहाँ पे रिलेटिवली लॉसेस लेस होते हैं तो इफिशियंसी और मेंटेनेंस भी यहाँ पे कम होता है तो इफिशियंसी यहाँ पर ठीक ठाक होती है अच्छी होती है ये वाली जो मोटर होती है इसको स्टार्ट हम डायरेक्टली कर सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं कोई एक्सटर्नल स्टार्टर की एसड ज़रूरत नहीं होती और लो स्टार्टिंग करंट भी यहाँ पर इसलिए लो स्टार्टिंग करंट भी यहाँ पे अचीव होता है या ये कहना चाहिए कि लो स्टार्टिंग करंट हम अचीव कर सकते हैं रोटर रेजिस्टेंस आर टू हाई रख कर इसलिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से काम चल जाता है स्टार्टिंग टाइप पे पर यहाँ पर स्क्ल के इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट हाई होने की वजह से हमें स्टार्टर यूज करना पड़ता है चाहे वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर हो या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर हो ये सब चीज़ें अभी मुझे पढ़ाना बाकी है बेटा तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर और साथ में ब्रेकिंग समझाने वाली हूँ मैं यहाँ पे कुछ कंक्लूड ऐसे कर सकती हूँ कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो है एक कॉम्प्रोमाइज़ है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर से मिलने वाली चीज़ों का जैसे यहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है तो यहाँ मॉडरेट हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल सकता है करंट यहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल होता है काफ़ी हद तक हम यहाँ पर भी कंट्रोल कर सकते हैं स्टार्टिंग करंट पर जो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर है टू को वैरी करने की वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे हमको रोटर के रेजिस्टेंस को वैरी करने की नहीं है तो जहाँ पर सीवियर स्टार्टिंग कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है ना वहाँ पर हम हमेशा वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर ही यूज़ करते हैं तो उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नॉलेज को और डेफ्थ में ले जाने की कोशिश करिए थैंक यू